नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। आज दोस्तों शुक्रवार है, दूसरा रंगों की होली भी है। आज के दिन लोग सबसे पहले जो भी उनके घर में देवी देवता है, भगवान है, उनके चरणों में रंग चढ़ाते हैं, भगवान के ऊपर होली खेलते हैं। उसके बाद सगे संबंधी, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी या मोहल्ले में या फैमिली के मेंबर्स आपस में एक दूसरे को रंग लगाते हैं। दोस्तों ये रंग लगाना बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये रंग हर व्यक्ति के जीवन को रंगों से भर देते हैं। तो दोस्तों आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुक्रवार भी है और रंगों की होली है। शुक्रवार माता लक्ष्मी को समर्पित दिन माना जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको आज रात को जब आप सोने जाते हैं उस समय झाड़ू का एक उपाय बताने वाला हूं। इस उपाय को करने मात्र से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर खुश रहेंगे और वो अपना आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बरसाती रहेंगे। इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे ऐसी ही जानकारी भविष्य में आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर अवश्य करें। किस जरूरतमंद के कहां काम लगे और उसका भला हो तो उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। दोस्तों आपको करना क्या है, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को आपको रात को ये क्रिया करनी है। रात के समय जब आप सोने जाते हैं, आपके घर में या सभी के घर में झाड़ू तो होती है, तो आपके भी घर में झाड़ू होगी। वो झाड़ू जो आपके घर में यूज की जाती है, नई झाड़ू नहीं, उस झाड़ू को ले लें और आप एक रुपए का एक सिक्का ले लें। उस सिक्के को झाड़ू के नीचे रख दे, पहले सिक्का रख दे जमीन पे और उसके ऊपर झाड़ू रख दे। दोस्तों आपको थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेना है, गुलाल लेना है जिससे होली खेली जाती है, और जो माता लक्ष्मी को चढ़ता है वो सिंदूर लेना है। तीनों चीजें एक एक चुटकी लेके उस झाड़ू पे आपको इस तरह से छांट देनी है। एक साथ तीनों नहीं लेनी है, पहले आपको हल्दी छांट देनी है, फिर आपको गुलाल छांट देना है और फिर आपको सिंदूर छांट देना है उस झाड़ू के ऊपर। झाड़ू दोस्तों माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, झाड़ू भी माता लक्ष्मी का रूप है, और जो एक रुपए का सिक्का आपने लिया है वो स्वयं अपने आप में लक्ष्मी है। दोस्तों वो माता लक्ष्मी को आपने गुलाल से, सिंदूर से और हल्दी से उनका स्वागत किया है। हल्दी माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। हल्दी जो भी चढ़ाता है माता लक्ष्मी को, माता लक्ष्मी उसके घर को पैसों से भर देती है। दूसरा जो गुलाल है वो होली का बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा माना जाता है, और वो जब आप छांटेंगे तो मतलब आपने माता लक्ष्मी को ऊपर होली खेली है, वो खुश खुश हो जाएंगे। और सिंदूर तो माता लक्ष्मी का आप सभी जानते हैं परम प्रिय है, तो आपने वो भी लगा दिया,
बस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है इस क्रिया को। ऐसा नहीं कि महिलाएं ही करें, पुरुष भी कर सकते हैं, घर में कोई भी कर सकता है, महिलाएं पुरुष या कोई और फैमिली मेंबर कोई भी कर सकता है। बस आप इतना करके देखिए, आपको किसी पूजा की और पाठ की आवश्यकता नहीं होगी। करते रहिए, आपका घर पैसों से कभी खाली नहीं होगा, ये मेरा दावा है। आप इस उपाय को करके देखिए। ये उपाय कब करना है? जब सारे कामों से निवृत्त होकर जिस समय आप सोने जाते हैं, और ये क्रिया करते समय दोस्तों ध्यान रखें, कोई बीच में आपको बोलना नहीं है और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये क्रिया आपको चुपचाप करनी है, छुप के। और सिक्का तो आपको बहुत ही गुप्त रीत से आपको झाड़ू के नीचे दबाना है। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखें कि आपको उस समय कोई डिस्टर्ब ना करे, और पूरी रात उस झाड़ू को वहां से उठाना नहीं है। जब सुबह हो तब आप झाड़ू को हटा के और वो सिक्का आप उठा लें, या तो आप अपने पर्स में रखें या फिर आप अपने धन स्थान में रख दें, आप कहीं भी घर में रख दें। वो सिक्का जहां भी रहेगा वहां पैसे की आवक हमेशा होती रहेगी, और आवक ही नहीं वहां पैसा एकत्रित होने लग जाएगा, जमा होने लग जाएगा। आपका धन स्थान कभी खाली नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है, करने के लायक, करते रहिए। इसको समझने में अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। नमस्कार।